नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसके बीच हुई अन्य सीटों के लिए पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों और खाली चल रही 4 विधानसभा सीटों के लिए पैनल तय किए हैं। यूपी कोर कमेटी की बैठक में प्रस्तावित नामों पर मंथन के बाद पैनल को अंतिम रूप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पार्टी द्वारा हर सीट पर 3-3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगी। 8 मार्च को संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी ने बीते शनिवार यानी कि 2 मार्च को उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें बाराबंकी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे उपेंद्र सिंह रावत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वहीं बिजनौर और बागपत पर गठबंधन के तहत आरएलडी ने अपने नाम घोषित किए हैं। ऐसे में 28 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं। इनमें 2 अपना दल और 1 राजभर को देने के बाद 25 सीटों पर उम्मीदवार तय होने हैं। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, बैजयंत पांडा, भूपेंद्र सिंह चौधरी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और धर्मपाल की ओर टीम ने बातचीत शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। कोर कमेटी की बैठक इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हुई है। यूपी की जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें लखनऊ पूर्वी, शाहजहांपुर की ददरौल और बलरामपुर की गैसडी और सोनभद्र की दुधी विधानसभा सीट शामिल है। इनमें से 3 सीट लखनऊ पूर्वी, ददरौल और दुधी सीट पर बीजेपी काबिज थी, जबकि गैसडी सीट सपा की पास है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।